हाँ तो दोस्तों एस कार्ड के क्वार्टर फोर के नंबर्स आ चुके हैं तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एस कार्ड के ना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चलिए शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में वन परसेंटेज से रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे गिरा है और ये नंबर आया है टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ पे लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे फिफ्टी परसेंटेज से बड़ा है और ये नंबर आया है फाइव एटी करोड़ पे देखा जाए यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है वो काफ़ी फिनोमिनल वे में यहाँ पे बढ़ रहा है और इसके पीछे का क्या रीज़न है क्योंकि देखिए पिछले क्वार्टर्स में जो कोविड की वजह से जो वहाँ पे जो प्रोविजनिंग ज़्यादा वहाँ पे एच कार्ड को करनी पड़ी थी तो वहाँ पे एन नॉर्मल हो गए थे तो अब एन एकदम नॉर्मली हो चुके हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रोविजनिंग करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे प्रोविजनिंग का नंबर कम हुआ है और इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होती हुई नजर आ रही है अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो उसमें यहाँ पे अराउंड ट्वेंटी टू परसेंटेज के रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे बड़ा है और ये नंबर आया है टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ पे और वहां पर भी अगर हम देखेंगे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे अराउंड टू थर्टी वन परसेंटेज के बड़ा है यानी कि मोर देन थ्री टाइम्स यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट का नंबर एच बी आई कार्ड का बड़ा है और ये नंबर आया है फाइव एटी करोड़ पे तो देखा जाए तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है उसका जो मेन ग्रोथ यहाँ पे जो हुई है तो

तो देखिए कोविड की वजह से प्रॉब्लम थी अगर आने वाले टाइम पे आने वाली ये जो पूरे नौ महीने अप्रैल से लेके खास करके जो दिसंबर तक अगर हम बात करेंगे वहाँ पर अगर हम कोई भी इकोनॉमी वाइज अगर हम देखेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखते हैं तो वहाँ पे ये नौ महीने में काफ़ी फिनोमिनल परफॉर्मेंस एच कार्ड की तरफ से देखने को मिल सकता है और जो ये वन परसेंट का क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू गिरा है तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि जनवरी में जो इकोनॉमी में स्लोडाउन हुआ था यानी कि आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो ओमिक्रॉन की वेव आई थी तो वहाँ पर हर जगह लॉकडाउन लगे थे थोड़े छोटे मोटे लॉकडाउन लगे थे तो उसकी वजह से थोड़ा फर्क बाकी यहां क्वार्टरली बेसिस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है तो देखिए पे ये अभी ट्रेड हो रहा है लगभग साढ़े ग्यारह सौ रुपए है तो से अगर आप करोगे तो अराउंड थर्टी परसेंट ये स्टॉक ऑलरेडी अपने हाई से नीचे आ चुका है तो देखा जाए तो यहाँ पे अराउंड एटी थाउजेंड करोड़ के मार्केट कैप पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है अभी अराउंड फाइव एटी करोड़ के नेट प्रॉफिट यहाँ पे आए हैं तो अराउंड ये जो एक्सपेक्टेशन हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि पूरे साल में लगभग बाईस से तेईस करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का हो सकता है सॉरी मार्केट कैप नहीं नेट प्रॉफिट पूरे फाइनेंशियल ईयर का अगर ट्वेंटी टू का मार्केट सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी uh, अगर यहाँ पे हो जाती है बाईस सौ से तेईस सौ करोड़ की पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो वहाँ पे 40 के नीचे का पी रेशियो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इसके अलावा कोई और कंपनी लिस्टेड नहीं है तो एक कारसिटी प्रीमियम यह कंपनी इन्जॉय कर सकती है अगर आने वाले टाइम पर एक इकोनॉमी जो है वो एकदम नॉर्मल अगर रहती है तो वहाँ पे कारसिटी प्रीमियम पचास से साठ का पी रेशियो भी मार्केट इस कंपनी को दे सकता है तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एस बी आई कार्ड के जो क्वार्टर फोर के नंबर्स हैं उसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा ओके दोस्तों थैंक यू हैव अ नाइस डे